नमस्कार, मैं शशिधर और आप देख रहे हैं हमारे धे टीवी पर भारत के ऐतिहासिक फैसले। हमारी ऐतिहासिक फैसलों की जर्नी समय के साथ बढ़ते बढ़ते आ पहुंची है 1986 तक, और इस बीच भारत की राजनीति भी तेजी से करवट ले रही थी। और आज जिस मामले की बात करने जा रहा हूं, उसने भारत की राजनीति ही हमेशा के लिए बदल दी और कभी न पटने वाली खाई खींच दी। शुरुआत में ही बता दूं कि इस मामले में कई राजनीतिक दलों के भी नाम सामने आएंगे, जिनका नाम सिर्फ इस केस की अहमियत को समझाने के लिए किया गया है, और आप इस केस को अच्छे से समझ पाएं इसलिए वो सेंस बताना जरूरी है। खैर, गलतियां महंगी पड़ती हैं, जितनी बड़ी गलती होगी कीमत भी उतनी बड़ी चुकानी पड़ती है। कमजोर गलती करे तो शायद उतनी महंगी ना पड़े, क्योंकि नुकसान महज उस तक या उसके परिवार तक सीमित रहता है, लेकिन जब ताकतवर गलती करता है तो वह बहुत ही महंगी पड़ती है। चूक बड़ी तो खामियाजा भी बड़ा होगा, और अगर यह बड़ी चूक कोई ताकतवर करे तो बहुत ही भारी पड़ती है, कभी कभी तो इतनी भारी कि खामियाजा पीढ़ियां भुगतती हैं। 1986 में राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसी ही एक गलती की थी, जिसका खामियाजा आज भी पूरे भारत को भुगतना पड़ रहा है। एक ऐसी गलती जिसने कभी दो लोकसभा सीटों तक सिमटने वाली पार्टी को लगातार दो बार अकेले दम पर अपने पूर्ण बहुमत के करिश्मे तक पहुंचा दिया, बल्कि एक ऐसी गलती जिसने सेकुलरिज्म की पवित्रता को भी नष्ट कर दिया। ये कहानी है शाहबानो की। भारत में लंबे समय से तीन तलाक की प्रथा का शिकार कई मुस्लिम महिलाएं हुई हैं। तीन तलाक की आड़ में न जाने कितने पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को बिना गुजारा भत्ते दिया छोड़ दिया गया, लेकिन भारत सरकार ने देश में कई वर्षों से चली आ रही इस प्रथा को खत्म करने के लिए अब एक कानून बना दिया है, जिसके चलते अब किसी भी मुस्लिम महिला का पति उसको बिना कोई गुजारा भत्ता दिए तलाक नहीं दे पाएगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब देश के उच्चतम न्यायालय में किसी के द्वारा तीन तलाक को लेकर याचिका दायर की गई। वहीं तीन तलाक को लेकर साल 1985 में भी उच्चतम न्यायालय ने शाहबानो केस में इस प्रथा को गलत बताया था, और शाहबानो की इस केस में जीत भी हुई थी, मगर वो फिर भी इस केस को हार गई थी। आखिर क्या था शाहबानो केस और क्या था उस समय उच्चतम न्यायालय का फैसला, आइए आज जानने का प्रयास करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 70 के दशक से। इंदौर में एक बड़े वकील साहब हुआ करते थे, नाम था मोहम्मद अहमद खान। शाहबानो उन्हीं की पत्नी थी। 1975 में खान ने एक कम उम्र की लड़की से शादी कर ली, और 43 साल तक साथ रही अपनी बीवी शाहबानो को उनके 5 बच्चों समेत घर से निकाल दिया। एक झटके में एक 59 साल की महिला बेघर हो गई। वकील साहब बच्चों की परवरिश के लिए कभी कभी कुछ पैसे दे दिया करते थे, लेकिन शाहबानो नियमित तौर पर हर महीने गुजारा भत्ता की मांग कर रही थी। इसे लेकर दोनों में अक्सर विवाद होते रहते थे। 6 नवंबर 1978 को मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को तीन तलाक यानी तलाक के बिद्दत दे दिया। मेहर की रकम का भुगतान कर खान ने दो टूक कह दिया कि अब आगे एक नया पैसा नहीं देंगे। मेहर की राशि थी 3,000 रुपए। तीन तलाक के बाद शाहबानो ने खान से हर महीने गुजारा भत्ता की मांग को लेकर अदालत का रुख किया। मोहम्मद अहमद खान ने दलील दी कि तीन तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत तक ही तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी शौहर की होती है, उसके बाद नहीं। मुस्लिम महिला को तलाक के बाद गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता है। दरअसल भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक के बाद आमतौर पर 3 महीने इद्दत की मुद्दत कहलाती है। इस अवधि के दौरान महिला की देखरेख की जिम्मेदारी तलाक देने वाले पति की होती है। अगर महिला उस वक्त प्रेग्नेंट हो तो इस इद्दत की मुद्दत बच्चे के जन्म तक मानी जाती है। इद्दत की मुद्दत इस तरह का वेटिंग पीरियड है। इस दौरान तलाकशुदा महिला चाहे तो दूसरी शादी कर सके। खैर, मैजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक शाहबानो के पक्ष में फैसला आया। खान ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की जिस धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते की मांग की गई है वह मुस्लिमों पर लागू ही नहीं होती, क्योंकि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा मामला है। मामला 5 जजों की संविधान पीठ में पहुंच गया।
आखिरकार 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन सीजेआई वाईवी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया कि वह शाहबानो को हर महीने भरण पोषण के लिए 179.20 रुपए दिया करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में समान नागरिक संहिता का भी किया जिक्र। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि तलाक के बाद बीवी को मेहर देने का मतलब यह नहीं है कि उसे गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। गुजारा भत्ता तलाकशुदा पत्नी का हक है। शीर्ष अदालत ने सरकार से समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने की भी अपील की। इससे पहले भी कई मौकों पर कोर्ट समान नागरिक संहिता बनाने की सलाह दे चुका था। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भविष्य में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। आइए जानते हैं क्या होता है 3 तलाक। इस्लाम में कोई भी पति अगर अपनी पत्नी को 3 बार तलाक तलाक बोल दे तो पति पत्नी का तलाक हो जाता है, यानी रिश्ता खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, तलाक होने के बाद पति अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अगर गुजारा भत्ता नहीं देना चाहते हैं तो ये उसकी मर्जी होती है, पत्नी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। वहीं देश में अब 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर लिया गया है, यानी अब कोई भी पति अपनी पत्नी को 3 तलाक नहीं दे सकता। ऐसा करने पर अब 3 साल की सजा होने का भी प्रावधान बन गया है। वहीं दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने 3 तलाक को कई सालों पहले असंवैधानिक घोषित कर दिया था और इस प्रथा को अपने देश से खत्म कर दिया था। शाहबानो मामले में समान नागरिक संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तिलमिला गया। तिलमिलाए भी क्यों ना, उसका तो पूरा वजूद ही खतरे में था। फिर क्या था, मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को इस्लामी मामले में दखल बता विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यह विडंबना ही थी कि लेफ्ट दलों को छोड़कर सेकुलर कहे जाने वाली कमोबेश हर पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेकुलर फैसले का विरोध किया। शुरुआत में लगा कि राजीव गांधी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। 23 अगस्त 1985 को लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बचाव करते हुए दमदार भाषण भी दिया, लेकिन साल भर के भीतर ही मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के आगे तत्कालीन सरकार ने घुटने टेक दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक में संरक्षण का अधिकार कानून 1986 पारित कर दिया। कानून के विरोध में आरिफ मोहम्मद खान ने राजीव गांधी मंत्रिपरिषद के साथ साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। वहीं आरिफ मोहम्मद खान आज केरल में राज्यपाल के पद पर आसीन हैं। शाहबानो अदालती लड़ाई जीतने के बाद भी हार गईं। राजनीति ने उन्हें हरा दिया। कट्टरपंथियों के आगे राजीव गांधी सरकार के सरेंडर ने उन्हें हरा दिया। 6 साल बाद यानी 1992 में ब्रेन हैमरेज से उनकी मौत हो गई। खैर, डैमेज कंट्रोल के लिए राजीव गांधी सरकार की एक और गलती हो गई। कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए राजीव गांधी की उस ऐतिहासिक भूल ने तुष्टिकरण का गुब्बारा इतना फुला दिया कि उसको तो फटना ही था। सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगने लगे। डैमेज कंट्रोल के लिए राजीव गांधी ने एक और ऐतिहासिक भूल कर दी, इस बार हिंदू तुष्टिकरण की। 37 सालों से बंद अयोध्या के विवादित ढांचे का 1986 में ताला खोल दिया गया। वैसे तो यह अदालती फैसला था, लेकिन सरकार नहीं चाहती तो ऐसा फैसला नहीं आता। तब केंद्र के साथ यूपी में भी कांग्रेस की सरकार थी। जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने फैसले से पहले स्थानीय प्रशासन से पूछा था कि ताला खोलने से कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तब उन्हें आश्वस्त किया गया था कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इतने संवेदनशील मुद्दे पर बिना ऊपर से आदेश मिले स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर कोर्ट का भरोसा नहीं दे सकता था। ताला खुला। राजीव गांधी ने खुद अयोध्या पहुंच पूजा अर्चना भी की। विवादित स्थल के पास ही राम मंदिर का शिलान्यास तक कर डाला। राजीव गांधी की इस दूसरी गलती से अयोध्या मामला गर्मा गया। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। उसी आंदोलन की बदौलत बीजेपी ने पहले राज्यों और फिर बाद में केंद्र में सत्ता का स्वाद चखा। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में है। कई राज्यों में भी उसकी सरकारें हैं। खैर, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही रोचक केस लेकर मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।